वेलकम टू माय चैनल फूड डेस्टिनेशन। आज मैं लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपके स्नैक्स और चाट्स को बहुत ही टेस्टी बना सकती है, और वो है इमली की चटनी। ये खाने में थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी और थोड़ी स्पाइसी होती है, मतलब एकदम चटपटा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने इमली को 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। चीनी, कटी हुई किशमिश, काला नमक, सफेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, गुड़। तो चलिए सबसे पहले हम इमली का जितना भी पल्प है वो सब हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से। हाथों का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं। इसका सारा का सारा पल्प निकाल ले। देखिए हाँ, मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। अब हम इसको गैस पे रख देंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ ऐसा लें जिसमें कि पत्थर या फिर किसी भी तरीके का स्टोन वगैरह ना हो, नहीं तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो प्योर गुड़ लें। अब देखिए अच्छा खासा बॉईल आ रहा है, तो अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप इमली को रात भर नहीं भिगो के रखते हैं तो आप इसे कुछ देर के लिए उबाल करके भी यूज कर सकते हैं। आप कुछ देर के लिए इसे उबाल लें और फिर यूज कर लें। अब देखिए हमने यहाँ पे काला नमक भी डाल दिया है, और ये देखिए क्वांटिटी में भी बहुत कम हो गया है। तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप इसे उबाल करके भी बना सकते हैं, पर अगर आप इसे रात भर भिगो करके रख के बनाएंगे तो उसका अलग ही टेस्ट आएगा। तो आप इसे बनाएं और अपने स्नैक्स और चाट्स को बहुत ही यमी बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।